हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चोको चिप कुकीज, जो दो तरीके से बनाएंगे, एक ओवन में और एक बिना ओवन के। तो स्वागत है आपका मार्गरेट किचन में। आज हम बनाने वाले हैं एकदम बेकरी जैसे स्वादिष्ट, सॉफ्ट और खस्ता चोको चिप कुकीज, जो सबको काफी पसंद आते हैं, स्पेशली बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो जरूर बच्चों के लिए इन्हें बनाइए। इन्हें आप बनाकर एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। इन्हें चाय के साथ सर्व किया जा सकता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है। तो जरूर 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 ट्राई कीजिए रेसिपी, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बोल में हम लेंगे 100 ग्राम बटर। यहाँ मैंने अमूल सॉल्टेड बटर यूज किया है। आप चाहे तो इसकी जगह वनस्पति घी या नॉर्मल घी भी यूज कर सकते हैं। इस बटर को हम 5 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि ये एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और क्रीमी हो जाए। मैंने यहाँ विस्कर यूज किया है, आप चाहें तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से हम 5 मिनट के लिए मिक्स करेंगे बटर को, ताकि जो ये बटर है एकदम क्रीमी, लाइट और फ्लफी हो जाए। इस तरह से बीट करते करते जो बटर है एकदम क्रीमी हो जाएगा। इसे बीट करने में हमें करीब 5 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए, जो हमारा बटर है एकदम स्मूथ और क्रीमी हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर। इसमें मैं डालूंगी यहाँ पर 1/2 कप पाउडर्ड शुगर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी पाउडर शुगर डाल सकते हैं, लेकिन इतना शुगर मुझे परफेक्ट लगता है। और इसमें हम डालेंगे कुछ बूंदे वनीला एसेंस की, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो पाउडर्ड शुगर है वो बटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और ये मिक्सचर एकदम क्रीमी, लाइट और फ्लफी हो जाए। इसे भी बीट करेंगे हम 5 मिनट के लिए। बीट करते करते हम देखेंगे कि इसका जो कलर है ये भी वाइटिश हो जाएगा और मिक्सचर जो है एकदम फ्लफी हो जाएगा और एकदम लाइट हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पाउडर्ड शुगर यूज किया है, ये मैंने रेगुलर चीनी को ग्राइंड कर लिया है और उसे छान लिया है, और वही शुगर मैंने यहाँ यूज किया है। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बटर क्रीम हमारी रेडी हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने यहाँ लिया है 1 कप मैदा, ये करीब 150 ग्राम मैदा है। इसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। छानने से ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे से मिक्स हो जाते हैं आपस में। बेकिंग पाउडर जो है वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए, ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें हम बटर क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। तो ये देखिए, इस तरह से हम बटर क्रीम में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। इसमें हम इस स्टेज पर अभी मिल्क या कुछ भी ऐड नहीं करना है हमें। ये देखिए, मिक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों से इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे ताकि ये जो मैदा है और बटर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, मिक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। ये मिक्सचर डो के फॉर्म में आ गया है, काफी सॉफ्ट डो है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच चोको चिप्स, और चोको चिप्स को भी डो में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा सॉफ्ट कुकी डो। अगर आपको डो थोड़ा ड्राई लगे तो आप इसमें 2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि डो परफेक्ट है। अब कुकी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 केक टिन। केक टिन को बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, और एक बेकिंग ट्रे मैंने लिया है, इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैं कुकीज ओवन और बिना ओवन दोनों तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 2 बर्तन लिए हैं कुकी बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, डो में से छोटे छोटे लेमन साइज के पोर्शन निकालेंगे। आपको जितनी बड़ी कुकीज बनानी है उतने बड़े पोर्शन आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ लेमन साइज का पोर्शन निकाला है। तो इस तरह से हम इसका बॉल बनाएंगे और इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, इस तरह से कुकी का शेप दे देंगे, और इसे हम रख देंगे ग्रीस किए हुए केक टिन में। एक एक करके हम कुकीज को केक टिन में रखेंगे, और इसके बीच में हम काफ़ी जगह छोड़ेंगे ताकि जो कुकीज़ हैं उन्हें फूलने की जगह मिले, क्योंकि ये जब बेक होंगे तो ये फूल कर डबल साइज के हो जाएंगे। इनके ऊपर हम सजा देंगे थोड़ा सा चोको चिप्स। तो ये देखिए, कुकीज बेक होने के लिए रेडी है। इसी तरह से हम बेकिंग ट्रे में भी कुकीज को सजा देंगे, और उसे भी चोको चिप्स से इस तरह से सजा देंगे। चोको चिप्स को हल्का सा प्रेस कर देंगे। पहले हम केक टिन को रखेंगे
प्रीहीट किए हुए पैन में। ये पैन मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है और इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर बेक करेंगे। दूसरी ट्रे हम रखेंगे ओवन में। ओवन को भी मैंने प्रीहीट कर लिया 180 डिग्री पर और अब हम ये बेकिंग ट्रे रख देंगे ओवन में। लो रैक पर मैंने ये बेकिंग ट्रे रखा है और 15 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे ओवन में। देखिए 15 मिनट का टाइम मैंने सेट कर दिया है और ये ओवन मैं ऑन कर दूंगी। ये देखिए 15 मिनट के बाद ये देखिए पैन का ढक्कन हम हटाएंगे, कुकीज हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। डबल साइज की हो गई है फूल कर और बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। इसे हम निकालेंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए ओवन में भी हमारी कुकीज बिल्कुल बनकर रेडी है, फूल कर डबल साइज की हो गई है। इसे भी हम ओवन से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। एक घंटे के बाद ये देखिए कुकीज बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट बेकरी जैसी कुकीज बनी है। आप देख सकते हैं कि गर्म हो तो आप इसे टच ना करें क्योंकि उस समय ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, ये टूट सकती है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तभी आप इसे टच करें, इसे ट्रे से निकालें। ये देखिए ओवन वाली कुकीज़ भी हमारी बहुत अच्छी तरह से बेक हुई है, तो बिल्कुल परफेक्ट बेकरी स्टाइल की चॉकलेट चिप कुकीज़ हमारी बनकर रेडी हुई है। तो देखा ना दोस्तों, बिल्कुल आसानी से एकदम बेकरी जैसी कुकीज़ हम घर पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जब ये कुकीज़ बिल्कुल अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर आप एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये कुकीज़ जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी एकदम खस्ता होती जाएगी। ये देखिए एक कुकी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम खस्ता और अंदर का टेक्सचर भी एकदम खस्ता बना है। आप अंदर का भी टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी क्रंची कुकीज बनकर रेडी हुई है। देख तो जरूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी ऐसी एक आसान सी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।